हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड बेबी हेल्थ केयर। आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होने वाली है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि मेरी फ्यूचर के न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिले और मेरी न्यू वीडियो आप सबसे पहले वॉच कर पाओ। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ले स्टार्ट। से पहले हमें इस मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मौसम है आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा लेकर के आता है। जैसे कि अगर आप बाहर निकलते हो बिना छतरी का या बिना पैर में सैंडल पहने या कुछ भी, तो आप स्लिप हो सकते हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। मेरा खुद मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं स्लिप हो गई थी, बट थोड़ा हुई थी। तो आप लोग इससे संभल कर रहिएगा कि ज़्यादा घर में ही रहें इस समय। अगर आपका बाहर जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप संभल कर जा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई है तो आप उसको भेजिए। प्रेगनेंसी में आप बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए इस समय में। और सेकेंड नंबर पर आपको बताऊंगी कि आपको इस समय एक हल्के सॉक्स, कॉटन के सॉक्स पहनने चाहिए, क्योंकि इस समय का जो मौसम होता है थोड़ा सा ठंड आता है, थोड़ा सा गर्म होता है। ठंड गर्म के वजह से आपको कोई नुकसान ना हो जाए। थर्ड नंबर बात करेंगे कि अगर जिनको पहले से कोई बीमारी हुई है, जैसे कि कोल्ड कफ, फीवर या खांसी, सर्दी, कुछ भी हुआ है, उनसे आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए ताकि उनसे कोई आपको इन्फेक्शन ना फैल जाए या आपको कोई उनसे होकर के बीमारी ना हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा उनसे दूरी बनाकर रखना है ताकि आप अपने आप को सेफ रख सको। अगर आपकी डिलीवरी 1 से 2 महीने के अंदर ही होने वाली है, यानी कि सितंबर और अक्टूबर में होने वाली है, तो आप ठंडी चीज़ें खाना बिल्कुल भी स्टॉप कर दीजिए। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा आइसक्रीम अच्छा लग रहा है तो बंद कर दीजिए, कम खाइए या तो। और ठंडा पानी फ्रिज का बिल्कुल भी आपको नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी पीने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी ठंडी चीज़ें, ठंडी खाना या कुछ भी, आप जो ठंडा है एकदम फ्रिज से निकला हुआ आया है, वो चीज़ें आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। सब काम आप बंद कर दीजिए। हर लेडी चाहती है कि उनका डिलीवरी नॉर्मल हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका डिलीवरी नॉर्मल हो तो आप अपने डिलीवरी के 1 महीने पहले से हल्का गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको गुनगुना पानी पीना अच्छा नहीं लगता है तो आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, बट आपको फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। क्या होता है, अगर आप हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो जो आपके मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, उनमें लचीलापन आता है। इससे आपको ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आपकी डिलीवरी 1 से 2 महीने में होने वाली है तो आप अपने वेट पर ध्यान दीजिए। क्या आपका वेट बढ़ा तो नहीं है, क्या आप मोटे तो नहीं हो गए हो? ऐसी चीज़ें जो है आपका वजन बढ़ा रही हैं उसे कम कर दीजिए। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके बेबी का जो वेट है वो बढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो, आपका बेबी का वेट ज़्यादा हो, तो आप अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड कीजिए जिससे आपके बेबी का वजन बढ़ जाए। केला खा सकते हैं, इससे आपके बेबी का वजन बढ़ेगा। आप दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, इससे आपके बेबी का वजन बढ़ जाएगा और आपके बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। आप अंडा भी खा सकते हैं, अंडा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आप अंडा कम से कम 4 मंथ से खाना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपका बेबी का वेट भी बढ़ेगा और आप अच्छे भी रहेंगे और आपका बेबी और आप एक हेल्दी लाइफ इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी और आप एकदम हेल्दी लाइफ जिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए डिलीवरी के टाइम, तो आप अपने बॉडी के अंदर खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। किसी भी हालत में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में खून की कमी बिल्कुल भी ना हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम से कम 11 होना ही चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है तो आप अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में होती है। जैसे सकते हैं सेब, अनार, टमाटर,
खजूर ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आपके डॉक्टर ने जो आयरन की गोली दी है, कैल्शियम की गोली दी है, मेडिसिन दिया है, उसको दोनों टाइम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे आपके आपके बॉडी में खून की कमी बन सकती है। बॉडी के अंदर जो बीपी की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए। बीपी आपको कैसे कंट्रोल में रखना है आपको तो पता ही होगा, आपको नमक कम खाना है। नमक खाने से आपकी जो बीपी की प्रॉब्लम है वो कम रहेगी। यहाँ तक आपको शुगर का भी नॉर्मल ख्याल रखना चाहिए, शुगर भी आपका ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, शुगर भी आप मीडियम में खाइए। जैसे कि आप मीठा खाना बंद कर सकते हैं, या आपको फ्रूट के जरिए शुगर मिल ही जाता है तो आपको अलग से चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है तो कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट में भरपूर मात्रा में चीनी अवेलेबल होता है। अगर आपका बीपी और शुगर नॉर्मल रहेगा, एक लेवल पे रहेगा, तो आपके डिलीवरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, आपका डिलीवरी नॉर्मल हो सकता है, ज़्यादा चांस हो जाता है आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए। अगर आपके बॉडी में अम्यूनिटी फ्लूड कम हो गया है तो आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें इंक्लूड कीजिए। जैसे कि सूप आप पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, इससे आपकी जो बॉडी के अंदर लिक्विड एटिक है वो आपका 5 मंथ 6 मंथ या 7 मंथ पूरा हो गया है तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। हल्की हल्की एक्सरसाइज करना आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बटरफ्लाई वाला या आपको जो भी आता है, या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपकी डॉक्टर जो भी योगासन बताती है, जो भी एक्सरसाइज बताती है, वो आप दिन में 2 बार जरूर कीजिए। इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत ज़्यादा। अगर आपका डिलीवरी 1 महीने बाद होने वाला है, 1 महीने ही बच गया है आपकी डिलीवरी का, तो आप अपने डिलीवरी के लिए एक बैग तैयार कर लीजिए, उसमें ज़रूरत का पूरा सामान रख लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको अचानक इमरजेंसी के लिए भी हॉस्पिटल जाना पड़े तो आपका बैग पहले से तैयार रहे, आप उठाइए और चले जाइए। तो आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी एकदम नॉर्मल हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए डिलीवरी के टाइम में, तो अपने आप को आप हमेशा एक्टिव रखिए। एक्टिव रखने के लिए आप सुबह शाम दोनों टाइम 30 मिनट या 30 से 45 मिनट तक आप वॉक कर सकते हैं। इससे आपका बॉडी एकदम एक्टिव रहेगा और जो आपके मसल्स हैं हमेशा लचीलापन बना रहेगा। इससे आपकी जो डिलीवरी है वो एकदम नॉर्मल रहेगी और आपका जो चांस है नॉर्मल डिलीवरी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद अपनी केयर कैसे करें, अपने बेबी का केयर कैसे करें, तो पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगी। ये मेरा पार्ट 1 था। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो सब सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर के आ जाऊंगी। ये वीडियो कैसे लगा, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, अगर समझ में आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं और मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी आप लोग के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।